हे गाइस, वेलकम टू रैंक रिव्यू चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गोरिल्ला ट्राइपॉड। तो बात करेंगे इसकी क्वालिटी के बारे में और ये देखने में कैसा है और इसके यूजेस जो भी है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है गोरिल्ला का ट्राइपॉड और इसका जो है वो 360 डिग्री बॉल है जो ऊपर लगा हुआ है इसका। ये सभी जो मतलब पोजीशंस में ये जो घूम जाता है और इसका जो मैक्स लोड है इसके ऊपर आप 2.5 केजी का लोड आप डाल सकते हो, जो कि मेरे ख्याल से DSLR और मोबाइल का भी जो वेट है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। तो चलिए बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में, जो हमारा मेन हर बार रहता है। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, आप यहाँ पर अगर देख सकते हो तो यहाँ पे सभी जगह पे रबर्स जो है वो लगाया गया है। देखिए, ये सभी जगह पे ये रबर का ही यूज़ किया गया है और इसके ऊपर थोड़े से डॉट भी दिए गए हैं ताकि ये इसके साथ जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी जो है वो आए। तो नीचे की तरफ अगर बात करते हैं तो आप नीचे की तरफ भी देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ क्लियर कर। हाँ देखिए, आप यहाँ पर भी जो है वो रबड़ का जो है वो यूज़ किया गया है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी तरीके से इसकी जो क्वालिटी है वो देखने को लग रही है सभी साइड में देखने को। मेरे को जो पर्सनली इसका जो मुझे लगा, ये इसमें क्वालिटी वाइज जो है वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ओवर नहीं किया गया, जबकि इसकी कीमत जो है वो इतनी नहीं है। तो फिर भी इसको आप बोल सकते हो चीप इन द बेस्ट प्रोडक्ट। तो एक बात और इसमें फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा खोलना चाहते हैं, देखिए बताता हूँ, तो यहाँ पे ये कम का निशान जो है वो दिया गया है। इसको हम अगर रोटेट करते हैं तो देखिए, बताता हूँ, ये देखिए इसको हम ज़्यादा जो है वो खोल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए ये देखिए इधर से ये ज़्यादा खुल जाता है। तो अगर हमें इसे कम खोलना हो तो इसको पूरा बंद करके इसको रोटेट करके आप यहाँ पे लेके आएंगे तो ये कम खुल जाएगा, आगे से कम होगा। ये बंद करके रखना हो तो यहाँ से बंद भी कर सकते हो क्योंकि ये खुलेगा भी नहीं। देखिए यहाँ पे रखेंगे तो ये खुलेगा नहीं। तो दूसरी बात करते हैं इसके रिंग के बारे में, जो कि 360 डिग्री रोटेट हो सकता है। और यहाँ से एक और बात, आप इसको अगर नीचे को जाते हो बिल्कुल कैमरा करना तो यहाँ से नीचे को भी हो जाता है। तो हम इसके ऊपर अब DSLR को मैं अटैच करके बताता हूँ। इसके साथ जो ये वह होल्डर मिल जाता है ये वाला, तो इसको अब यहाँ पे लगाएंगे ना ऊपर। आसानी से यहाँ पे फिट हो जाता है, देखिए। तो यहाँ पे जो है वो मोबाइल भी अटैच आसानी से आप कर सकते हो ऊपर और नीचे से। तो ये हो गया इसका एक पॉइंट। मैं आपको DSLR भी इसमें फिट कर दिखाता हूँ बाद में। तो पहले हम इसकी थोड़ी सी और क्वालिटीज़ के बारे में जान लेते हैं। अगर इसको ध्यान से देखोगे ना आप तो आपको पता लगेगा कि इसकी जो रिंग है ना, जो प्लास्टिक यूज़ किया गया है यहाँ पे, काफ़ी सॉलिड जो है वो यूज़ किया गया है। बिल्कुल भी चीप प्रोडक्ट ये लगता ही नहीं देखने को, आप हर तरफ से देख लीजिए। और इसकी जो मेन पॉइंट है, इसके जो फ्लेक्सिबल लेग्स है ना, इसको आप कहीं भी मोड़ सकते हो जैसे मर्जी। देखिए से रख सकते, इसको जो मोड़ सकते हो जैसे भी मर्जी, इसको यूज़ कर सकते हो। और एक बात और मैं आपको बताता हूँ कि अगर यहाँ पे इसको होल्ड करो ना तो इसकी ग्रिप जो है ना वो इतनी अच्छी आती है। पर्सनली मैंने इतने गोरिल्ला ट्राइपॉड यूज़ किए, मैंने इतने ट्राइपॉड यूज़ किए, लेकिन ये ट्राइपॉड की बात भी मुझे कुछ अलग लगी है हर किसी ट्राइपॉड के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से इसकी जो क्वालिटी है बिल्कुल अच्छी है, हर तरफ से इसको अच्छे तरीके से बनाया गया है। और ख़ास जो ध्यान वो इसका ग्रिपिंग का और इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है देखने में। तो इस प्रोडक्ट का जो कीमत इस टाइम चल रही है अमेज़ॉन पे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी जो प्राइस जो अभी चल रहा है इसका, वो चल रहा है 579। और मैंने भी यही प्राइस पे इसको मतलब परचेज़ किया है, आप देख सकते हो 579। तो इसका जो लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर किसी को इसको बाय करना हो तो प्लीज़ आप एक बार इसको बाय कर सकते हो। तो अब मैं इसको इसके ऊपर आपको अपना DSLR कैमरा जो है वो अटैच कर दिखाता हूँ कि ये कैसे उसको होल्ड करता है। तो आप देख सकते हो कि मैंने अपने DSLR कैमरा को इस ट्राइपॉड के साथ अटैच जो है वो कर लिया है। और अब इसको हम अगर इसकी ग्रिप लेते हैं तो ये, अगर जो लोग व्लॉगिंग करते हैं उनके लिए तो ये बड़ी अच्छा ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। तो काफ़ी मतलब ये हैंडी है यहाँ से, और इसकी जो DSLR को ये होल्ड कर रहा है ये बड़ा अच्छा कर रहा है। बिल्कुल भी DSLR जो है वो मतलब शेक नहीं कर रहा है, बिल्कुल टाइटली यहाँ से मतलब हम इसको टाइट कर सकते हैं और
जैसे मर्जी इसको रोटेट भी यहाँ से हम कर सकते हैं। तो अगर इसको कंपैरिजन करें ऐसे ट्राइपॉड के साथ, जो देखिए ये पाइप के साथ बना होता है और इसकी जो मतलब ग्रिप है वो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, पकड़ने पे भी अनकंफर्टेबल सा ही फील होता है। तो ऊपर से ये टूट ही जाता है, हमेशा ही ऐसे होता है। ऐसे ट्राइपॉड मैंने काफ़ी लिए तो यहाँ से ये हमेशा ही टूट जाता है, जब हम इसको टाइट करती हैं तो यहाँ से ये ऑलवेज जो है वो टूट जाता है। तो इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है क्योंकि इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है और ये इतना महंगा भी नहीं है। अगर इसको कंपेरिजन करती हैं महंगे प्रोडक्ट के साथ तो ये अच्छा प्रोडक्ट है एक अच्छे प्राइस रेंज में। तो एक बार आप इसको चेकआउट कर सकते हो, मैं नीचे आपको इसका लिंक दे दूंगा, अगर किसी को इसको परचेज करना हो तो वो लिंक से जाकर इसको परचेज जो है कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, तो बने रहिए रैंकर रिव्यू के साथ हमेशा। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।